बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत खैरियत के साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से अब मैं भी कुछ बेहतर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने ये जो बैकग्राउंड पे वीडियो चल रही है इससे तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस वजह से इतने अरसे के बाद मैडम तोनिया की जो लाइव है ना पुरानी, मैं जरूर नहीं बोलूँगी कि नहीं है पुरानी लाइव, आज क्यों चला रही हूँ। तो जब ये रिएक्शन वालों पे बोंगती है ना, तो सबसे पहले इनको इनकी औकात याद दिलाना पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल खाना हजम ही नहीं होता। जब ये रिएक्शन वालों से पंगा ना लें और जब ये पंगा लेते हैं ना, तो फिर इनको उन्हीं की ज़ुबान में और इनको औकात याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ है फिर। तो जब मैंने ये कहा था कि ये दुबई जा रही है और ये आईडी कार्ड क्यों बनाने के लिए गई थी, इसके बाद इसने आईडी कार्ड वाला ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद इसने नहीं दिखाया कि आईडी कार्ड है। अब मैं गई हूँ, मेरा आईडी कार्ड बन गया या नहीं बन गया, ये आप लोग नोट करते जाएं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है इन जैसे झूठे और मकार लोगों के लिए अपने सर पे गुनाह लिखवाने का और डालने का, क्योंकि जो हमारी नेकियाँ होती हैं ना, कोई हमारे खिलाफ जब बात करता है ना, तो जो उसके भी नेकियाँ वो हमारे ज़िम्मे आ जाती हैं, पल्ले में आ जाती हैं मतलब के। और जब हम किसी पे बात करते हैं, हमारी भी नेकियाँ अगले बंदे को मिल जाती हैं। तो मैं हर किसी नहीं चाहती कि इन जैसे लोगों को हमारी नेकियाँ मिलें। अब मैं और आप लोगों को बातें बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा बातें सच्ची हैं, कोई झूठी नहीं होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं, बेल आइकॉन को ऑल की ऑप्शन पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो इसकी असलियत आप लोगों के सामने है। इसने अपने शोहर के, हम नहीं कहते कि उसके साथ हमारे कोई दुश्मनी है, हमारा कोई पंगा है, जो भी है, मैं यहाँ पे सच्ची और खरी बात करती हूँ। कुछ लोगों को शायद इस मेरी बात से तकलीफ़ भी हो, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि देखो कि उस पर हमने वीडियोस नहीं बनाई थी, उसने इसका दफा किया था, मतलब कि इसने उसको फोर्स किया था कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी यूट्यूब की इनकम तुम ही लेते हो, और रिएक्शन वालों ने मेरे लिए ऐसी वीडियो लगाई है। इसके बाद इसके जो जो फरमुदात इसके हस्बैंड ने अपने फिटे मुंह से बाहर निकाले वो आप लोगों के सामने ही हैं, क्योंकि साबरा पे भी वीडियो हमारी होती हैं, इसके मामू जावेद पे भी होती हैं, जो भी है जैसा भी है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ लिमिट में रह कर हमारे खिलाफ बात करते हैं। इन लोगों को पता है कि अगर हम रिएक्शन वालों पे बात नहीं करेंगे, रिएक्शन वाले हमारे अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हमारे व्यूज़ फिर नहीं आएंगे। इसके अलावा अब बात का असल जो है ना, वो टॉपिक वो मैं बताती हूँ आपको कि इसने जो खुला का किया है ना केस, वो झूठा केस है, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। जिस तरह आज ये महवेश रो रो के लोगों के सामने ये बातें करती है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है, तो ये तोनिया भी बिल्कुल सेम उसी जैसी है। वो इसके घर आई थी इसे शॉर्ट ऑर्डर लेने, अब ये एक ही रास्ते की मुसाफिर है। जिस तरह वो कपड़ों की तरह मर्द बदलती है ना, इसी तरह ये तोनिया भी कपड़ों की तरह ही मर्द बदलती है, क्योंकि ये जो इसके साथ होते थे लाइव पे, ये इसके चाचे मामे के बेटे तो नहीं थे ना, जो भी बंदा आता है, जो भी गिफ्टर है, जिस गिफ्ट वाले की वजह से मतलब कि गिफ्टर की वजह से इसने अपने हस्बैंड को छोड़ा था, घर से आ गई थी, वो भी स्टार्टिंग में उसकी भी आईडी है, आप जाके देख सकती हैं। मेरा कहने का उसका नाम बताने का मकसद भी नहीं है। दूसरी बात के ये कोई खुला नहीं ले रही है, ये डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए आई हुई है। जब इसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएगी ना, तब आज जिसको वो कुत्ता बोल रही है, कमीना बोल रही है, उसके निकाह में मौजूद होते हुए सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ क्या क्या बातें कर रही है। आजकल वो इमरान के साथ इस मिशन पे है कि जल्दी जल्दी मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँ, मैं ड्राइविंग सीख लूँ, इसके बाद मेरी तोनिया झोलियाँ भर भर के मेरे लिए डॉलर्स लेके आएगी और हम लोग सनरूफ गाड़ी लेंगे। इनकी हकीकत ये है, जो इनको करते सपोर्ट वो भी सोनिया जैसे ही हैं, क्योंकि जैसा बंदा होता है ना उसकी सोसाइटी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। जिस तरह की ये, इस तरह इसके सब्सक्राइबर,
वो लोग देखते नहीं, हकीकत नहीं देखते। मैं उन औरतों को कहती हूँ, आप 2 मिनट के लिए जरा ये सोचें कि आप सोनिया की जगह खुद को रख के सोचें कि आप किसी लोग गैर मर्दों से बातें करोगी, आप अपने हस्बैंड को ऐसा बोलोगी। जब वो लोग इसकी हमायत कर रहे हैं तो हम लोगों को पूछने की जरूरत भी नहीं बनती है, क्योंकि वो भी इसी तरह सोनिया के जैसे ही हैं, वो भी इसके सब्सक्राइबर, वो भी औरतें जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, वो भी अपने हस्बैंड को ऐसा ही कहती होंगी। जिस तरह ये उसको इतना ही जलील किया, उसकी वॉइस लीक की, उसके एक एक करतूत बताए, फिर भी उस बंदे की है कि उस बंदे ने बिल्कुल इसके वॉइस पड़े हुए थे उसके पास, इसकी लाइव रिकॉर्डिंग उसके पास भी है, लेकिन अभी तक उसने नहीं लगाया। किस वजह से वो सब्र कर रहा है? इस वजह से वो सब्र कर रहा है ना कि गई हुई है ये लोगों से लेकर जोलियाँ भर भर के मेरे घर के लिए लेकर आएगी। अभी तक उसका भी गेस्ट रूम नहीं बना, अब ये इसको कौन इतना दे रहा है? मुझे बताएं कि कल आप लोगों को मैं बताऊं इसका असल चेहरा, जिसकी वजह से मुझे आज वीडियो बनानी पड़ी है। जब इसकी इनकम आई है, अब इसके साथ बच्चे भी काम करते हैं, इसका भाई भी होता है, समाविया एमन सारे होते हैं। अगर आज ये लोग अपने बच्चे उन बच्चों को अपनी वीडियो से हटा दें तो मैं कहती हूँ कि कोई बंदा इनकी वीडियोस नहीं देखेगा। कल जब मजम्मल के पास पैसे थे, उसके अब्बू ने उसके कमीज़ के अंदर पैसे डाले, इसके बाद जब इसने देखा कि मजम्मल के पास पैसे चले गए, तब ये इतना मुँह बना के ना गंदा कहती है, मजम्मल कितने पैसे में दिखाऊँ, अपने सब्सक्राइबर का मेरी इनकम आई है। मजम्मल बेचारा गरीब बच्चा, उसने 2000 का नोट जो है ना वो अपनी कमीज़ के अंदर रख लिया, देखने वालों ने देखा और नोट भी किया। किस तरह छीना छपटी करके इसने उसकी कमीज़ का एक एक हिस्सा देखा और वहाँ से पैसे निकाले। जब इसने पैसे निकाले, वो तो मासूम बच्चा, उनको तो पता ही नहीं है कि पैसे होते क्या है। पहले माँ ने दगा दिया, अब ये यूज़ कर रही है, ये जो लूमड़ी आई हुई है इनके घर, ये लूमड़ी अपने व्यूज़ की खातर, अपने चैनल की खातर उन बच्चों को कर रही है। क्योंकि लोग हमेशा इसको कहते थे, जब तुम अपने माँ के घर जाके वीडियोस बनाती हो ना, हमारा दिल करता है देखने का बच्चों के साथ। अब ये इसी वजह से माँ के घर रह रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जब वीडियो बनाती है ना, इसके बाद एक ही जगह बैठ कर ये वसीम खाना खाते हैं। हम लोगों को इस हकीकत का पता नहीं है, इस वजह से मैं पूरे यकीन के साथ ये बात नहीं कर सकती। लेकिन जब इसने पैसे निकाले, मुजम्मल इतना रोया, तब ये कह रही थी कि इस वजह से उसको दिए कि वीडियो के बाद मैं ले लूँगी, और बात भी वही हुई। इसी के पड़ोसी ने हमें बताया मुझे कि इसके बाद हमें यकीन है पूरा, हम सुन रहे थे जब इसने उसके पैसे छीने जो 2000 दिया था वीडियो के सामने, तो कैमरा बंद करने के बाद इसने वो उसे छीन लिया मुजम्मल से, और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ये इसकी असल हकीकत है, ये इसका असल चेहरा है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, उल्लू बनाती है लोगों को। ये देखिए, मैं बहुत ही मजलूम हूँ, मेरे साथ इतना जुल्म हो गया, मैंने नाच के, मैंने डांस करके, मैंने मुजरा करके, मैंने मेतवाह बन के लोगों को अपना मुजरा दिखाती रही, और बाद में मेरे साथ क्या हुआ? मेरे हस्बैंड ने मुझसे सारा कुछ छीना और मेरी पुश्त पे लात मार कर मुझे बोला कि चली जाओ आप इस घर से। तो मैं बिना दुपट्टे के इतने दूर से भागती हुई मैं आई, असल मकसद ये भाग के ही आई थी। और ये भी साबरा की ही कज़न है, अगर साबरा गलत कर रही थी, उसको बोला था इसके बाप ने कि उसने लिया खुला लिया है, उसने झूठ बोला, तो अब शकूर हैं कल आप भी उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी बेटी को शह दे रहे हो। मैं कहती हूँ, कैसे बाप हो आप, कैसे बख्शे जाओगे आप लोग झूठ की वजह से? आज आपके और बयान होता है, दूसरे दिन आपका और बयान हो जाता है, एक महीना तो हो गया, नेक्स्ट नोटिस अभी तक उसके पास नहीं गया, अभी तक खुला का कोई भी कुछ नहीं हुआ। दर हकीकत में आप अब यही बात बता रही हूँ कि इसने झूठा खुला का केस किया, अब कोई कोठी की डिमांड नहीं इसकी। अब कहती है वसीम एक बार मुझे ले जाए, मुझे कोई कोठी नाम नहीं लगवानी, मेरी कोई शर्त नहीं है। अब ये लोगों के सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दर हकीकत इन्होंने अपने जो पागल बनाए हुए हैं सब्सक्राइबर को और भी बेवकूफ़ बनाना है, और भी बेवकूफ़ बना के इस औरत ने अपना उल्लू सीधा करना है। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।